विज्ञान श्रोता में आपका एक बार फिर स्वागत है। विधेयक में निजी सार्वजनिक और संगठित क्षेत्र की महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। ये सब कुछ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे भी इस तरह की हिंसा मानवाधिकारों, लिंग भेदभाव और सामाजिक सोच को जबरदस्त तरक्की से जाहिर करती है, जो औरत की तरक्की में खास अहम रोल निभाती है। ये पहल हुई है और ये काफी अहम है, लेकिन महिला संगठनों और बुद्धिजीवियों को कुछ ही कारणों से इसमें कमी नजर आती है। जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। अभी अगर हम कमी की तरफ चलें, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, और अगर वे दूर कर ली जाती है, जैसे कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये चीजें इसमें से हटा कर ये चीजें शामिल कर ली जाए तो फिर आगे फर्दर इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं महसूस होगी, आपकी नजर में? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये बिल अभी किसी ने देखा नहीं है, मगर इस बिल के बारे में जो चर्चाएं चली हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स रही हैं, उसी के आधार पे हम ये कहना चाहेंगे कि दो तीन आशंकाएं इस बिल को लेके महिला आंदोलन की है। पहला आशंका कहीं ना कहीं ये है कि असंगठित क्षेत्र के क्या तमाम महिलाएं इसमें शामिल हैं? आज 15 करोड़ से ज्यादा महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो डोमेस्टिक वर्कर्स या इस तरह की महिलाएं क्या शामिल हैं? दूसरी बात जो है वो कहीं ना कहीं जब महिला संबंधित ऐसे क्राइम्स पर जब कानून बनते हैं, जैसे मैं खास अगर कानूनों की बात करूं तो जब दहेज की बात आती है या जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है या जब दलित उत्पीड़न की बात आती है, तो समाज में कानून बनने से पहले चर्चा ये शुरू होती है कि गलत आरोप लगा दिया तो क्या होगा। तो इस बिल में कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं कि इसका प्रावधान है कि गलत अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपके खिलाफ वो कमेटी सख्त कार्रवाई करेगी। अब हम जानते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में एक तो आवाज उठाना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि आज भी जो महिला बोले कि मेरे साथ कोई घटना हुई, कहीं ना कहीं कलंक सामाजिक उसके ऊपर ही लगता है, उंगलियां उसके ऊपर उठती है, चर्चा ये होती है कि इसके साथ क्या क्यों ऐसा हुआ, जरूर इसने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसी आम चर्चाएं समाज में चलती। उसके विरोध में एक महिला अपने अधिकारों के लिए कंप्लेंट करे तो अगर ये डर उसके सर पे डगमगाता रहे कि अगर मैं अपनी चीज को साबित ना कर पाई तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, जबकि कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर किसी के खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट करे तो आप वो उसका जस्टिस उनको और तरीकों से मिल सकता है। मगर ऐसे कानूनों में सबसे पहले जो है इसका सेफ गार्ड जो है कहीं ना कहीं डालना जरूरी लग जाता है लोगों को, जो एक डिफेंसिव नजर या डिफेंसिव अप्रोच दिखा रहा है कि इस बिल की तरफ सरकार का कहीं ना कहीं है, और वो अगर इस तलवार को कंप्लेंट्स के ऊपर लटकाएंगे तो कितनी महिलाएं जो है हिम्मत करके कंप्लेंट कर पाएंगी, क्योंकि अक्सर सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस पे कानून क्यों बन रहा है, क्योंकि उसमें एक हायरार्की शामिल होती है, कहीं ना कहीं आपसे ऊपर जो आपका बॉस है वो आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ज्यादा करता है। तो ये कमी जरूर एक बड़ी कमी है, और बड़ा सवाल आते इस बिल के बारे में जरूर उस पर चर्चा होगी, मगर ये अप्रोच दिखा रहा है इस बिल पर। जैसे उन्होंने बॉस की बात करी, बहुत से लोगों का इस बारे में एक विचार ये भी है कि समझौते की बात इसमें कही जा रही है, तो सेक्शन 8 में ये है, आप कैसे देखते हैं इसे? जो सेक्शन 8 है उसमें ये बताया गया है कंसीलिएशन के बारे में, और कंसीलिएशन है कि अगर वो महिला चाहती है तभी वो कंसीलिएशन हो सकता है, अन्यथा इंक्वायरी कमेटी को प्रोसेस अपने हिसाब से चलाना होगा। तो जो बात रखा गया है कि अगर वो चाहती है, अब वो चाहती वाली बात अगर फ्रॉड से आता है या उसके ऊपर दबाव डाला गया है या कोशन जो इतने सारे हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है इस सेक्शन 8 में। जो अल्बिना जी के साथ जो बता रही हैं जो कमियां हैं वो एक बहुत बड़ी कमी है, जहां तक जो बिल देखने को पढ़ने को मिला, क्योंकि इसका जो जो फाइनल ड्राफ्ट है वो किसी के पास नहीं, तो हमें उसको भी ध्यान में देखना है कि रूल्स में कंसीलिएशन का क्या प्रोसीजर रखा गया है। जो भी कंसीलिएशन के एक प्रोसीडिंग्स होता है, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देख लें, उसमें जो काउंसलिंग और काउंसलिंग के प्रोसीजर्स काफी डिटेल्ड है, सिमिलरली इस लॉ में भी कंसीलिएशन के डिटेल प्रोविजन होने चाहिए कि कैसे वो लीड करे,
जाएगा कि हाँ वो राजी हो रही या नहीं हो रही। हो सकता है इट्स गुड अगर, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजर फ्लॉ है कि कोर्शन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं लिखा गया। कैसे देखती हैं किरण जी आप इस, अगर ये कमियों की हम तरफ बात करें, कमियों की तरफ देखिए, जो मैंने भी कहा कि तो उनको उनके ऊपर दबाव, दबाव सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं है, प्रमोशन का नहीं है, एक मजबूरी भी है उनको अपना घर चलाना। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आर्थिक संपन्न बैकग्राउंड से आई है जहां पे वो शौकिया काम करती है, नहीं, मजबूरी भी है। तो उस मजबूरी को आप एक यदि दबाव के दृष्टि से देखते हैं तो फिर उनके लिए वहीं पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो बड़ी मछली है, मैं मुंह खोलूं वे मुझे खा जाएंगे, और यदि मैं गटक गई, उनके अंदर चली गई, तो मेरे पीछे जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो उनको लगता है कि मेरे एक के चुप हो जाने से मेरे पीछे जो पांच या दस है उनकी जिंदगी बन जाएगी, तो मैं चुप हो जाऊं। तो उनकी इस मजबूरी को खत्म करना इस सभ्य समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। सुमन जी, जो दबाव की बात करें, जो मजबूरी की बात करें, कैसे देखती हैं आप? जैसे इसमें कई जगह जो सुनने में आ रहे हैं कि उसमें ये कहा गया है कि गवाही खुद उस लड़की को ही जुटानी पड़ेगी अगर वो शिकायत करती है, तो क्या जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, अगर हम मोबाइल एसएमएस की बात करें या कुछ ऐसे जिसमें साक्ष्य दिखाए जा सकते हैं कि इस नंबर से आए, पर अगर दूसरी तरह का अब्यूज है या दूसरी तरह का हैरेसमेंट है, उसके लिए गवाही जुटाना कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर मुमकिन नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक ये लॉ में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें विच इज पनिशेबल एंड दिस इज अ सिविल लॉ द बेसिक थिंग, अगर हम रेप केसेस देखें तो उसमें भी हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनका जजमेंट रहा है कि सिर्फ प्रोसिक्यूटर जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट वॉज अनफ टू कन्विक्ट। तो ऐसा नहीं है, इट्स कि हाउ वायबल दैट सिचुएशन वॉज। और जब भी हम देखें इन वर्क प्लेस जनरली पावर इक्वेशन रहता है, हु इज हैरेसिंग हुम, जनरली पावर इक्वेशन में ही रहेगा, या एक आई कैन गेट अवे विद इट, एक एटीट्यूड जो एक्यूज है या जो कर रहा है किसी को हैरेस उसका रहेगा। सो एक बॉस है, अगर वो है एंड देयर इज अ विक्टिम हु इज अ जूनियर, उसको कौन सपोर्ट में आएगा? वेरी फ्यू पीपल विल कम। एक गवर्नमेंट सेक्टर में हम देख सकते हैं जहां पर you have security of tenure, you have security of job, it's very difficult ki aap kisi government servant ko aise hi remove kar de service se, but in unorganized sector or in private sector it is very easy ki aapka productivity kam hai, we just let you go, aur usme references bhi aapne usi organization se lene hain, so it can be a very daunting task, but I don't think ye viable hoga act mein, मुझे नहीं लगता, बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज नॉट पुट दैट, तो ये वाला सिविल लॉ कैसे करेगा? आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? फिंगर्स क्रॉस्ड रखनी चाहिए। सीमा भारती है, सीमा जी ये बताइए कि जैसे कि जो बहुत सारी बातें हुई, कानून क्या बदलाव इतना ला सकता है जितना कि समाज अगर अपनी सोच में बदलाव ले आए? किसी भी चीज को सुधारने के लिए पहले उसे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसको कहा जाए? क्या कोई आ रहा है, मैं उसको सिर्फ देख रही थी, तो उसमें नॉन वर्बल की भी बात की गई है, ठीक है, नॉन वर्बल में मैंने सिर्फ मैं उसको देखे जा रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई पसंद है, मैं उसे दिन रात देखती हूँ या देखता हूँ, तो क्या वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई? अब नहीं, आगे लड़की को तो नहीं पसंद, तो वो उसको बोलती है ये तो मुझे देखता रहता है सारे टाइम, ये मेरे को काम नहीं करने दे रहा, मैं सेक्सुअली हैरेस्ड हूँ, ठीक है, क्या वो उसको मान सकती है? तो डिफाइन करना बहुत जरूरी है इस चीज को, और उसने कितनी बार देखा, और उसने प्रपोज भी किया तो कितनी बार किया, एक बार, दो बार, मैंने लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। अमूमन घर वाले कहाँ करने देते हैं फाइल जो कंप्लेंट अगर लड़की करना भी चाहती है तो बहुत कम घर वाले आगे आ पाते हैं। आप ये बताएं कि स्कूल में कौन करने देता है? क्या क्लास में बैठे हुए बच्चे, जो हम क्लास में बैठते हैं, क्या वैसा ही सिस्टम वर्क प्लेस पे नहीं है? वहां समाज उठ के तो वर्क प्लेस पे चला गया, तो जो हैरेसमेंट्स क्लास में होती है वही हैरेसमेंट्स तो वर्क प्लेस में होती है। किसी के देखने को, किसी के बोलने को, किसी के प्रपोजल को, किसी भी चीज को अगर एक बार ना किया उसके बाद आप परसिस्ट करें तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक बात है। एक और चीज क्लियर मैं बोलना चाहूंगी बिफोर द स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दो चीजें हैं जिसको देखा जाता है, वर्क प्लेस या स्कूल या घर पर, स्पेशली वर्क प्लेस पर बात करें बिकॉज दैट इज द डिस्कशन, क्विड प्रो क्वो,
तुम्हें अगर प्रमोशन चाहिए तो तुम मुझे ये फेवर्स दो। और एक होता है बाय फोर्स कि तुम चाहो ना चाहो, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं इसीलिए आके मेरे साथ पोर्नोग्राफी देखो, या आओ मैं तुम्हें एक नॉनवेज जोक सुनाता हूं, या जबरदस्ती हाथ लगा देना। जो भी कुछ भी डेफिनेशन आएंगी वो इन दोनों चीजों के दायरे में आएंगी, जो हम कास्टिंग काउच कहते हैं, जो क्विड प्रो क्वो के नाम से होता है। तो उसके वर्क प्लेस पे इन दोनों चीजों से रिलेटेड ही कानून आफ्टर ऑल स्पेसिफिक टर्म्स बनेंगे। एक सवाल ले पूछे जी। मेरा सवाल अंजना जी से है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बिल में घरेलू महिलाओं को जो घर में रहती है काम करते हैं नहीं रखा गया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऐसे तो काफी सेक्सुअल क्राइम्स घर में भी होते हैं, बाकी जगह भी होते हैं, मगर सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस इसकी जरूरत कहीं ना कहीं, और इसमें स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ये सब शामिल होंगे क्योंकि वो सभी ऐसी वर्क प्लेसेस हैं जहां घर के बाहर महिलाएं, इसकी जरूरत खास तौर पे इसलिए ऐसे कानून की जरूरत महसूस हुई है क्योंकि महिलाएं जब घर से बाहर निकल रही हैं काम करने या पढ़ने के लिए, तो वो दायरा जो घर से बाहर का है उसमें सुरक्षा, फ्रीडम फ्रॉम होस्टिलिटी, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, इसकी जिम्मेदारी देना किसकी जिम्मेदारी है? और फाइनली सरकार इसको मान रहा है कि वहां जिम्मेदारी देना उन इंस्टीट्यूशंस, उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है जिनको ऐसी एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी बनानी चाहिए जिसकी चेयरपर्सन एक महिला हो, जिसमें 50% से ज्यादा महिलाएं हो, जिसमें कोई थर्ड पार्टी भी हो, यानी ऐसा नहीं कि स्कूल के अंदर का मामला है, टीचरों में जो है सेटल हो गया, नहीं, कोई थर्ड पार्टी एनजीओ या कोई और भी न्यूट्रल बॉडी हो। इसकी जरूरत इसीलिए महसूस हुई कि घर से बाहर निकलने वाली तमाम जगहों पर महिलाओं को सुरक्षा देने में कानून आए। हाँ, जहां तक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की, धीरे धीरे इन तमाम मसलों पर सरकारी कानून और नजरिए बदल रहे। काफी दिनों तक डोमेस्टिक वायलेंस पर भी ये नजरिया था कि घर के अंदर जो होता है उसमें कानून कैसे घुसे, वो तो घर के अंदर का मामला है। तो एटीट्यूड्स बदल रहे, मगर वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ जो होता है उसका कैरेक्टर, उसका किरदार थोड़ा अलग है, उसको एक सेपरेट इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी के तहत लाना जो जरूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं वो कदम उठाया गया। बेशक दिल के मुताबिक हिंसा के शिकार औरतों को अपने साथ हुई हिंसा का सबूत खुद पेश करना होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, और अगर सबूत ना हो तो सजा कैसे मुमकिन है, क्योंकि अमूमन स्त्री की छेड़छाड़ में सबूत जुटा पाना काफी मुश्किल है, और वहीं घरेलू नौकरानी को इसकी परिधि से बाहर रखे जाने की भी खबरें हैं। ऑफिसेज में बनी इंटरनल कमेटी क्या भी सक्षम होगी कि अगर मालिक या बॉस इस दायरे में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाए। यहाँ बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ऑफिसेज में सब कमेटी हो, लेकिन उसके ऊपर एक कमेटी जरूर हो जिसका उस ऑफिस से कोई ताल्लुक ना हो। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? सवालों के बाद जारी रखेंगे आखिरी विकास मुद्दा के साथ। जो लड़की शिकायत करती है और अगर वो सबूत नहीं दे पाती तो लड़के को सजा न होती, तो क्या ये सही है? 100-1091 दीज आर रिकॉर्डेड कॉल्स जिसमें पुलिस स्टेशन या जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर उसको अननेसेसरली पेंडिंग नहीं रख सकता। इम्पोर्टेंट ये है कि स्कूल में भी बताया जाए, घर में भी बताया जाए, जिस समय हो रहा है एक्शन उस समय लिया जाए, ना कि ठहर के।